Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्रेज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। शहनाज और अर्चना से तुलना पर बोली मनीषा रानी। बिग बॉस OTT 2 में मनीषा रानी काफी एंटरटेन कर रही हैं। उन्हें इस शो में देखकर किसी को वो शहनाज की तरह लग रही हैं, तो किसी को अर्चना के जैसी। ऐसे में अब शहनाज अर्चना से कंपैरिजन पर मनीषा ने दिल की बात कही है। ए टाइम से बातचीत में मनीषा ने कहा, हाँ मैंने ऐसे कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें लोग अर्चना गौतम, शहनाज गिल और मेरे बीच तुलना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ तुलना होने पर बहुत खुश हूँ क्योंकि वो अपने सीजन के स्टार थे। शहनाज गिल और अर्चना से तुलना होने पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो स्टार है और उनकी तरह या उससे भी ज्यादा मनोरंजन करने में सक्षम होने की पूरी कोशिश करूंगी। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। गुलखान के शो इमली से हो रही इस एक्टर की एग्जिट। स्टार प्लस के शो इमली में एक्ट्रेस जोएब सिद्दीकी अहम रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि शो से जल्द ही जोएब के किरदार का अंत होने वाला है। खबरें हैं कि ट्रैक के मुताबिक जोएब का किरदार खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में एक्टर जल्द ही एग्जिट ले लेंगे। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। खराब तबीयत में भी नील ने की शो की शूटिंग। खबरें हैं कि गुम है किसी के प्यार में शो में विराट का किरदार निभाने वाले एक्टर नील भट्ट 102 डिग्री तेज बुखार से पीड़ित है और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद नील ने बॉडी डबल का विकल्प चुनने के बजाय खुद ही घातक स्टंट और एक्शन करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे सीक्वेंस की शूटिंग खुद ही की क्योंकि वो चाहते थे कि सीक्वेंस बिल्कुल ओरिजिनल दिखे और उनका लक्ष्य अपने ऑडियंस को निराश ना करना है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला का नया रोमांटिक गाना हुआ रिलीज। रुबीना दिलेक और अभिनव का नया म्यूजिक वीडियो सनम आ गया रिलीज हो चुका है, जिसे अपनी आवाज दी है पायल देव और स्टेबिन बेन ने। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही दिल को सुकून पहुंचाने वाला ये मेलोडी सॉन्ग रिलीज होते ही पॉपुलर हो रहा है। इस गाने के बोल जितने अच्छे हैं, उसको उतने ही खूबसूरती से टीवी जगत की बेहद खूबसूरत पति पत्नी रुबीना और अभिनव ने बेहतरीन अदाकारी दिखाई है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। उर्फी ने अपने बदन पर लपेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, लोग हुए दंग। उर्फी हर बार कुछ ऐसे अतरंगी आउटफिट के साथ एंट्री लेती हैं कि लोग भी देखते रह जाते हैं। अब हाल ही में उर्फी ने अपनी कुछ नई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में उर्फी अपने शरीर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगवाती नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो तीन महिलाएं मिलकर उर्फी के बदन पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रही हैं, तो वहीं उर्फी उन्हें निर्देश दे रही हैं। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। खतरों के खिलाड़ी 13 के सेट पर दिखी हिना खान सांप के साथ खेलती नजर आई नागिन। हिना खान खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए साउथ अफ्रीका के केप टाउन पहुंच चुकी है, जिसकी कुछ फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। एक फोटो में वो सांप को हाथ में पकड़े खतरों से खेलती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में हिना रोहित शेट्टी के साथ पोज दे रही हैं। टीवी का तड़का, सातवें रात्रि टॉप न्यूज। इश्क 5 शो को हुए पूरे 7 साल, लीड स्टार्स ने जाहिर की खुशी। स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक इश्क 5 को लोगों ने काफी पसंद किया। बेशक ये शो अब बंद हो चुका है, लेकिन आज भी इस शो से जुड़ी यादें जनता और इसके लीड स्टार्स से खूब जुड़ी हुई हैं। वहीं अब 28 जून को शो को पूरे 7 साल बीत चुके हैं। ऐसे में नकुल मेहता, सुरभि चांदना और कुणाल जयसिंह ने अपने अपने इंस्टा पोस्ट के जरिए अपने इस शो को याद किया है। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबरें।